राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष गण की संयुक्त बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन भी शामिल हुए। साथ ही सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में डोटासरा ने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को संगठन के कार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, इसलिए बिना समय गवाए सभी लोग अपने अपने दायित्वों के निर्वहन में लग जाएं। साथ ही उन्होंने सभी जिला अध्यक्ष गण को निर्देश देते हुए कहा है कि 7 दिन में निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यकारिणी बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करें। साथ ही सभी उपाध्यक्ष गण, महासचिव गण, और सचिव गण के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें प्रदत्त दायित्वों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि पार्टी में जिला अध्यक्ष होना बड़ा सम्मान की बात है, क्योंकि पार्टी में ब्लॉक और जिला अध्यक्ष का बड़ा महत्व होता है। उन्होंने कहा है कि अगस्त माह की 17 और 18 तारीख को उन प्रदेश पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष गण की संयुक्त बैठक में आयोजित होगी, जिसमें नव नियुक्त पदाधिकारी गण के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा का उदय राजस्थान से हुआ है। सर्वप्रथम भाजपा की सरकार राजस्थान में ही बनी है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे देश से भाजपा का सफाया किया जाए, जिसकी शुरुआत राजस्थान में भाजपा को हराने से हो। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार में एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर अपना दायित्व पूरा किया। अब हम संगठन के पदाधिकारियों का दायित्व एक बार राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने हेतु कार्य करें। बैठक में VC के माध्यम से सभी नव नियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष गण को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि सभी पदाधिकारीगण नवीन जिम्मेदारी को निभाते हुए पार्टी की सेवा कर आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री बने तथा उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि PCC के अधिवेशन में PCC डेलीगेट प्रस्ताव पारित कर सरकार को सौंपे, जिसके आधार पर सरकार की नीतियों का निर्माण हो। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपना काम किया है, जिसने जो मांगा सरकार ने दिया है, इसलिए अब संगठन को जनता के बीच जाकर और सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बने तथा 2024 में केंद्र से भाजपा सरकार की विदाई हो। बनता है आम सरकार वो हम करेंगे और देवता से जो कार्यकर्ता है हम ज़्यादा लीडरों से ज़्यादा मरीज मानते हैं सरकार को कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आई जयपुर के पब्लिक हम दिल्ली भी करते हैं और मोर्चे पर बैठे लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा जाते हैं। बीजेपी वाले को जवाब देना पड़ेगा। उनकी बात सुनी, वो 3 कार्यक्रम उन्होंने कराए। ये आप लोग इतना जरूर पूछिए, वीर तेजा जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, पहले ये बताइए कि 3 कार्यक्रम कौन ने कराए और किसके कहने पर कराएंगे और किसानों को 1.5 साल तक 700 जो योजनाएं हैं उनको ऊपर सिंचाई से बात करें, जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने काम किए हैं, ऐसे नीचे हम छप्पन की छाती लेकर बढ़ेंगे। वो हम कहेंगे कि राजस्थान में काम किए हैं तो उसके ऊपर बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि ये काम गलत है, ठीक है। वो आएंगे तो फिर
झूठ पे झूठ बोलते हैं, अपने 2 साल पहले किए हुए वादों पे एक बात नहीं करते, एक जवाब नहीं देते और हमारी योजनाओं के बारे में केवल ये प्रचार करना कि साहब ये तो लूट के इरादे से है। आप बताइए जो लंबी में गाय करीब 2 साल को 40,000 रुपये जब मिला है तो उसमें क्या लूट हो। आप बताइए 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे हैं तो बाकी का पैसा किस एजेंसी के पास जा रहा है तो उसमें हमारी क्या लूट हो सकती है। बिल्कुल पूछना पड़ता है, 15-20 ने हाथ खड़े किए, 10-15 पहले से एमएलए प्रत्याशी हैं, 30-30 लोग हैं, उनसे हमने ये आग्रह किया है कि आप लोग अपने फील्ड में काम करें, पर जो संगठन की जिम्मेदारी जिस जिले की दी जाएगी और आपको जो संगठन का टास्क दिया जाएगा वो आपको पहले पूरा करना होगा, उसके बाद में पार्टी आला कमान जो सर्वे कराना है या भुवनेश्वर से जो लोगों के पास इनपुट आएगा उसमें अगर आप विजिबिलिटी के अगर है कैंडिडेट तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन केवल संगठन में पदाधिकारी बन करके केवल उम्मीदवार बन के घर बैठ जाए ये नहीं चलेगा, जो संगठन का काम होगा वो आपको नेता है उनसे मिल करके और संगठन को मजबूत करेंगे, सरकार की योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की विफलता को पहुंचाएंगे। और 2023 में हम लोग नए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे, 2024 हमारा टारगेट रहेगा, 2023 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तेलंगाना मिजोरम वहाँ पर सरकार बनेगी कांग्रेस की और 2024 में हम लोग मोदी को और मोदी नए भी हुए हैं या 13 पुराने हैं उन सबके साथ में प्लस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तमाम कार्यकारिणी जो नई बनी है माननीय प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब और तीनों से प्रभारियों के साथ में हमने उसके सदन के साथ बैठक की है, उनको जो चुनावी युद्ध है उसकी तैयारी के लिए उनको हमने टास्क दिया है किस प्रकार से काम घाड़ी में ब्लॉक में मंडल में जाना है, जो संगठन का काम है उसको करना है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई उसको बताना है, ERCP के मुद्दे के ऊपर उनसे जवाब मांगना है, दूसरे जितने भी सकारात्मक मुद्दे थे उन सब में हमने चर्चा की है और उनको एक टाइम बाउंड टास्क दी गई है कार्य करने के लिए। ब्लॉक में महीने में 2 बैठकें करेंगे, जिले में महीने में 1 बैठक करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं। राजस्थान का दिल कही जाने वाली पवित्र नगरी अजमेर में इन दिनों सड़कों की बुरी हालत की वजह से आमजन के ताने झेल रही है। पेश है अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खिची की विशेष रिपोर्ट। अजमेर की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, प्रशासन एक समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खराब सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, टेम्पो ई रिक्शा इन बाहुबली खड्डों की वजह से पलटी खा जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ हानि होती जा रही है लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। एक और जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में सरकार द्वारा विकास कार्यों का महिमा मंडन किया जा रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर देखें तो सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कचहरी रोड स्टेशन रोड गांधी भवन नया बाजार दरगाह बाजार यानी शहर के सभी प्रमुख बाजारों और स्थानों पर सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि आम आदमी वाहन लेकर चलने में हिचकिचाता है। प्रशासन में आम जनता यही अपील करती है कि जल्द से जल्द अजमेर की सड़कों को दुरुस्त किया जाए, स्मार्ट सिटी बाद में बनाया जाए, पहले आधारभूत सुविधाओं को सही तरीके से लाया जाए। अजमेर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है, कानूनी व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां पर सूना मकान दिखा वहीं पर चोरी हो जाती है। कंचन नगर स्थित एक सूने मकान में कल चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पेश है अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खिची की रिपोर्ट। अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रीनगर रोड कंचन नगर स्थित एक सूने मकान में चोरों ने बड़ा हाथ मारा है। मकान मालिक राजकुमार गुप्ता रेलवे में नौकरी करते हैं तथा उनकी पत्नी संध्या गुप्ता हाउसवाइफ हैं। दोनों उज्जैन गए हुए थे महाकाल के दर्शन करने और पीछे से चोरी हो गई। चोरों ने करीबन 10-12 लाख रुपए की चोरी की है जिसमें
जेवरात और कैश भी शामिल है। घटना की खबर मिलने पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मौके पर मुआयना किया तथा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक्चुअली मैं, मेरे हस्बैंड राजकुमार गुप्ता रेलवे में CTI हैं और मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी जाने वाले थे 14 तारीख को रतलाम वाली गाड़ी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि संध्या चलो तुम भी चलो मेरे साथ अपन रतलाम में ऑफ करके, मैं जो है वहाँ पर अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपन महाकाल के दर्शन कर आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक दिन में दर्शन हो जाएंगे, अगले दिन तुम आ जाना। मैं जो है दर्शन करे हैं और मैं आज सुबह मॉर्निंग में 3 बजे मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड वर्किंग अभी आएंगे 2 बजे गाड़ी से, क्योंकि उनकी अभी 2 बजे ऑफ होएगी, ट्रेन आएगी उनकी। मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा मेरे मेन गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा कि ये चैनल गेट का ताला मतलब हो गया, तो मेरे को एकदम लग गया कि ये चोरी हो गई। फिर मैंने वहीं बाहर से देखा तो रोशनी, ये जो गेट है मेन गेट, जो मेरे कमरों के दरवाजे हैं, वो भी खुले हुए थे। मैंने सबसे पहले अपने पड़ोसियों को जगाया, गोयल साहब के बच्चों को जगाया। मैंने कहा उनको, मैंने कहा बेटा देख शायद चोरी हो गई हमारे यहाँ। फिर वो भी आए दोनों, और भी लोग आए, और भी अड़ोस पड़ोसी इकट्ठे हुए। मैं पुलिस को मैंने कॉल किया, पुलिस भी आई, पुलिस ने आके निरीक्षण किया, उन्होंने वीडियोग्राफी करी। और उसके बाद में जो है ये मैंने देखा कि जब उन्होंने कहा क्या क्या सामान गया है, तो मेरे को जब ये बिखरे हुए से मैंने देखा कि मेरी सारी डिब्बियाँ खाली पड़ी हैं, जिसमें मैं अंगूठी थी मेरी गोल्ड की, चैनें थी, 2 चैनें थी विद पेंडल थी, एक मंगलसूत्र था और 2 लाख कैश था। 2 लाख कैश था जिसमें से कम 60,000 रुपये मेरा बिल्कुल न्यू गड्डी थी, बिल्कुल न्यू गड्डी थी, बैंक की जैसे होती है निकली हुई, 2-3 साल पहले की मेरे रखी हुई थी। वो सारा कैश चला गया, सारा जेवर सिल्वर का सारा सामान चला गया। सिल्वर का जैसे मैंने बिछुए पजे कुछ जोड़ियाँ रख रखे थे घर में पहनने के हिसाब से, और कुछ मेरे लक्ष्मी गणेश जी गए जो मैंने दिवाली पे पूजा के लिए मैं रखती हूँ। माल गया करीब ये 9 से 10 लाख का चोरी हुई है। मैं थाने चली आई थी, पुलिस आई थी रात को, अलवर गेट थाना, अलवर गेट थाना। फुटेज का तो अभी देखो CCTV कैमरे हैं गली में, 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको चेक कर रहे हैं, कुछ उसमें शायद कुछ क्लू निकल जाए। मेरा संध्या गुप्ता है नाम, राजकुमार गुप्ता मेरे हस्बैंड राजकुमार गुप्ता, अभी वो है रेलवे में यहीं रहते हैं, अभी ऑन ड्यूटी आने वाले हैं 2 बजे। हाँ, पाल बिचला श्रीनगर कंचन नगरी। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और लायंस क्लब संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस 19वें रक्तदान शिविर का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनकर ने किया। बतौर मुख्य अतिथि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर रहे। इस दौरान मंडल प्रबंधक ने अपने उद्बोधन में कहा कि रक्तदान ही सबसे महादान है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं तो इसे बेहतर कोई चीज नहीं है। इस दौरान लॉयंस क्लब द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा अगले वर्ष के लिए रक्तदान शिविर का संकल्प लिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से ये 19वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। 18 वर्ष पूर्व जिस आहुति को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने शुरुआत की थी, प्रति वर्ष ये कार्यक्रम लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, कोविड के पीरियड में भी जब सब कुछ असामान्य था, सब कुछ व्यवस्थाएं बंद थी, उसके बावजूद भी रेल कर्मचारियों ने, उनके परिवारजन ने लॉयंस क्लब के सहयोग से ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। आज के रक्तदान शिविर का उद्घाटन माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्री राजीव धनकर साहब ने किया है। मुख्य अतिथि हमारे यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर जी उपस्थित हैं। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने अजमेर उदयपुर अवरोड में जो कैंप आयोजित किया है, इसमें 700 रक्त यूनिट इकट्ठा करने का हमारा प्लान है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से सभी रेल कर्मचारियों का, उनके परिवारजन का रुझान है, इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और पिछले 18 वर्षों में जो कंटिन्यू हम रक्तदान कर रहे हैं, अजमेर मंडल में करीब 7,000 से ज़्यादा रक्त यूनिट हम विभिन्न ब्लड बैंक्स को डोनेट कर चुके हैं। और उत्तर पश्चिम रेलवे की यदि बात करें तो विभिन्न मंडलों में कारखानों के यूनिट जो हमारे प्रतिवर्ष रक्त दान शिविर का आयोजन करते हैं, उसमें 2,000 से ज़्यादा यूनिट प्रतिवर्ष
डोनेट होने का काम किया। मोहन चलाने मंडल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। शहर के राय का बाग बस स्टैंड पर दो नाबालिग बच्चा बच्ची उम्र करीब 17-18 ब्यावर अजमेर से भागकर यहां उतरे, फिर पास ही एक होटल में रुके। होटल कर्मी द्वारा बदतमीजी करने पर होटल से वापस बस स्टैंड आए। यहां तीन लड़के जिनकी उम्र करीब 21 से 23 वर्ष थी, उनको बहला फुसला कर रेलवे ट्रैक होते हुए पास ही ओल्ड कैंपस जेएनवी यूनिवर्सिटी के सुनसान हॉकी खेल मैदान में ले गए तथा वहां उनके साथ आए लड़कों को पकड़कर उस बच्ची के साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। आज सुबह तक करते रहे, तभी पास ही मॉर्निंग वॉक करने वाले आमजन ने लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनकर उधर गया तो वहां उसको देखकर तीनों आरोपी लड़के भाग गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड मौके पर भेजकर तत्काल कार्यवाही की गई। आरोपियों की तलाश हेतु शीघ्र एडीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाई गई, जिन्होंने परंपरागत पुलिस और तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए घटना के कुछ घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों को उम्मीद भवन की पहाड़ियों में बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया, जहां उनके पहाड़ों में गिरने पड़ने से शरीर में चोट आई। बमुश्किल उनको दायित्व कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजकर उपचार करवा कर उनके साथ आगे विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही होटल कर्मी सुरेश जाट को दस्तावेज कर लिया गया। पीड़ित बच्ची का प्राथमिक उपचार करवा कर मेडिकल करवा कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। ये सभी आरोपी जेएनवी यूनिवर्सिटी में इन दिनों छात्र नेताओं के चुनाव अभियान से आए हुए हैं और यहीं रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उक्त चारों को दस्ताया अनुसंधान विशेष टीम द्वारा जारी है। शीघ्र ही चालान पेश न्यायालय कर आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मैम, क्या घटना हुई थी, जो गैंगरेप का जो मामला सामने आया था? कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की, लगभग उम्र 17-18 साल, वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा, तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से, और फिर उनको उनके साथ जो घर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको तीन लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और विश्वास अपने उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा दें, उससे फिर आगे हम चले जाएंगे। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस, जो जेएनयू का ओल्ड कैंपस है, उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंग रेप है वो घटना कार्य। इसके पश्चात जब वहाँ पर ये सुबह 5-1 बजे तक वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए, तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना दी। सीपी सर, मैं, पूरी टीम, एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे और टीम्स गठित करके, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और साथ के साथ एफआईआर दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग हमारी जो भारतीय पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर में पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल की
उनके लड़के हैं, उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने बीए फर्स्ट ईयर में जेएनयू में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह, उसका साथ जो ओसिया का है, उसने एमए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही, वो अजमेर से बीएड कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं, अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, पीएस बग्गड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर। बच्चे की क्या हालत है, जो बच्चे उसकी क्या स्थिति? वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे, यहाँ पे क्या? ये तीनों लड़के, ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था। और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में, उनके लिए ही प्रसार कर रहे हैं। जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में, वो है कंवर राज। घटना कहीं झाड़ियों में या खुले ग्राउंड में? जो जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में, जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर ये घटना कारित की गई। और अभी FSL से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए, जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल DCP सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है। और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चलान कोर्ट में पेश करें, और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा। मुख्य शासन सचिव उषा शर्मा ने जोधपुर संभाग आयुक्त कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नवसृजित जिलों के विशेष अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, इसके साथ ही संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर भी बैठक में मौजूद रहे। सचिव उषा शर्मा ने बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का निर्माण कार्य रुकवाकर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने आरोप लगाया कि संविधान पार्क में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और कार्य आदेश के अनुरूप ठेकेदार नहीं कर रहे हैं। छात्र संघ महासचिव अंकित शर्मा, पूर्व छात्र संघ महासचिव राहुल राजपुरोहित, वासुदेव मनीष अनुराग, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बन रहा संविधान पार्क, जिसमें ठेकेदारों की मनमर्जी से और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं देने के कारण ठेकेदार मनमर्जी से यहाँ पे घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें ये पूरी बड़ी संविधान पार्क की खड़ी की गई है, तो इसमें 1% भी सरिये का प्रयोग नहीं किया गया लोहे का, और इसमें टेंडर में हो रखा है, पत्रों से खड़ा कर दिया, इसमें घटिया क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है। बजरी के, पूरी बजरी के साथ ही काम चल रहा है, उनमें सीमेंट का न मात्र प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय में संविधान पार्क में घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया गया है। हम जांच पर विश्वविद्यालय को पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जांच यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, और ठेकेदार मन मर्जी से यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है और घटिया क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है। विश्वविद्यालय की पुरानी बिल्डिंग में हालत देखे तो 30 साल से ज़्यादा कोई नहीं चलती है। आज हम समस्त छात्र शक्ति ने यहाँ पर आके यहाँ पर कार्य कर रहे, लोगों को कह दिया आप हमें कार्य आदेश की कॉपी दिखाओ, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, पास नहीं आ रहा आपका ठेकेदार यहाँ पे, तो यहाँ से चले जाइए, हमें यहाँ ऐसे घटिया क्वालिटी के काम की जरूरत नहीं है। और इसका हम संपूर्ण छात्र शक्ति ने विरोध किया है, उसकी जांच नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे, कुछ ठेकेदारों के खिलाफ लड़ेंगे। मैं महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। सुमेरपुर में 15 जुलाई उपखंड क्षेत्र के तखतगढ़ में शनिवार को नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत को माली समाज से जोड़ते हुए सब्जी की दुकान पर घोतक बनाकर दुष्प्रचार की भावना से माली समाज के साथ दुर्व्यवहार करने पर समस्त कांग्रेस जनों में आक्रोश फैला हुआ है। और साथ ही अजमेर दक्षिण विधायिका अनीता बधेल द्वारा मुख्यमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। अपना रोष जाहिर करते हुए गजेंद्र शेखावत मुर्दाबाद, भाजपा हाय हाय के नारे लगाए, और साथ ही मुख्य बस स्टैंड नगरपालिका परिसर में गजेंद्र सिंह का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इस मौके पर सत्यप्रकाश पटेल, भवर मीना, विक्रम खटीक, सूरज वाल्मीकि, खुर्शीद कुरैशी, बरकत सिलावट, रमेश माली, संजय हिरागर, डिंपल मीणा समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़मेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को बाड़मेर जिले के बायती मुख्यालय पर RLP नेता उमेदाराम बेनीवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल सामाजिक समारोह में भाग लिया और सभा को संबोधित किया।
सांसद ने आज अधिकतर नेता जो किसानों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आए तो किसानों का भला करने के स्थान पर खुद के रिश्तेदारों की भलाई करने में लग गए और रिफाइनरी में काम कर रही कंपनियों की दलाली में व्यस्त हो गए। सांसद ने कहा, एक तरफ सरकारों ने समय समय पर कुख्यात डाकुओं पर लगे मुकदमे हटाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, तो रोजगार के अभाव में कोई युवा ट्रैक छोड़ देता है तो उसे भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। सांसद बेनीवाल ने राजनीतिक मुद्दों पर बात रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुखता से सभी सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा, विगत विधानसभा चुनाव में जो मत भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को मिले हैं, वो मत अगर एक साथ हो जाए तो कांग्रेस का पता भी लगेगा और भाजपा वेंटिलेटर पर आ जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़।